सारे हाउस बोट बने हुए सर, बहुत है। सबसे अच्छा कौन सा है? ये सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, सब एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल, अंदर थोड़ा सा डिजाइन में फर्क। अच्छा, उधर राइट नाइट सीटें करना होता है, अच्छा के लिए ना। और क्या चार्ज रहता है भैया इनका? इनका डिफरेंट रेट 2500-3000 स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2500 से। उनमें पूरी बोट मिलती है क्या अपने को? पूरा बोट मिलता है? एक कमरा मिलता है ना? कितने रूम बने रहते हैं बोट में? में और अभी जा रहे हैं कश्मीर के मीना बाज़ार, जो कि एक फ्लोटिंग मार्केट है और ये डल लेक के बीच में है। और हमने ये राइड सिकारा राइड का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। अभी रिसेंटली बारिश भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सिकारा राइड का मज़ा लेते हुए। और अभी अपन चल दिए डल लेक में है अभी अपन, और यहाँ से जाएंगे यहाँ का मीना बाज़ार जो कि डल लेक के बीच में है, जिसे फ्लोटिंग मार्केट भी बोला जाता है। और अभी टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये घड़ी छुप गई है जैकेट से। हाँ, 5 बज रहा है और अभी इस टाइम यहाँ बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ तूफान बारिश है और इसका मज़ा अलग ही है। अभी जो अपन देख रहे हैं सामने का व्यू देख सकते हो आप लोग, कितना फॉग है। सो बाकी का अपडेट जल्दी मिलेगा। काफ़ी अच्छी राइड है ये सिकारा की और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये मेरा श्रीनगर में फर्स्ट डे आज, और कल हम लोग निकलेंगे सोनमर्ग की साइड, जो यहाँ से 96 किलोमीटर दूर है। अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा अगर अच्छे से पूरा घूमना है तो। और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप होगा गुलमर्ग, और उसके बाद रहेगा अपना पहलगाम। सो पूरी जर्नी देखें श्रीनगर की। डल लेक में है चलता फिरता खेत, फ्लोटिंग लेक। और क्या क्या खेती होती है इधर? ओके, सारी सब्जियां होती हैं। ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अमेजिंग। हम लोग फ्लोटिंग मार्केट चालू हो गया है, जिसे मीना बाजार कहा जाता है, और ये डल लेक के सेंटर में है। इसे अपन सिकारा राइड के थ्रू देखने आते हैं। और सिकारा राइड का चार्ज मैं आपको बता देता हूँ, चारों फुल राइड मतलब कंप्लीट राइड का 1200 रुपये चार्ज है, जो कि अपन कोई भी एक जगह रुक सकते हैं और उसके लिए फ्री टाइम है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और ये डिपेंड करता है सीज़न पे किसका क्या चार्ज है। जैसे अभी हमको ये 1000 रुपीज़ में पड़ी। तो देखिए आप, ये लोग फ्लोटिंग मार्केट चालू हो गया है। देख सकते हैं अभी अपन पूरा व्यू देखेंगे, मार्केट देखेंगे यहाँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ आज लगता है शॉप्स बंद हैं, कुछ कुछ ओपन हैं, कुछ कुछ बंद हैं। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। ये चाकू एंड कंपनी, नाम अच्छा लगा, यूनिक लगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ सारी चीज़ें जो मिलती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की मिलती हैं, मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें रहती हैं और काफ़ी मेहनत से बनाते हैं लोग। और 10 से 15 दिन लगता है एक चीज़ बनाने में। देख सकते हैं अच्छा मार्केट है। जा देखो भाई साहब। हाँ जी, जा देखो आराम से।
हेलो सर। गाइस अभी हम लोग हैं फ्लोटिंग मार्केट में और ये हम कश्मीर नोवल्टी एम्पोरियम में आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कश्मीर की सारी चीज़ें हैं और इवन मैंने एक चीज़ परचेज भी की है यहाँ से, कश्मीर की पहचान फर कैप, काफ़ी बहुत प्यारा है और मुझे काफ़ी अच्छी रेट में मिल गया। क्योंकि सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ की शॉप्स का ना फिक्स रेट है, कोई मोल भाव होता नहीं, बार्गेनिंग होती नहीं है, सबसे बेस्ट है। ये मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा है और काफ़ी अच्छा है, वार्म है, यहाँ की सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। और बाकी कुछ भैया आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या बेस्ट है। भैया यहाँ पे क्या बेस्ट है? पहले तो यहाँ पर कश्मीरी लोग बेस्ट है। ओके, यहाँ पर आपको हर एक आइटम मिलेगा, कश्मीरी प्योर आइटम बाहर का नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं खरीद फरोख करने के, और कश्मीर का दूसरा नाम जन्नत है, तो जन्नत में तो सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल सही, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर आए और कश्मीर के इन नज़ारों का लुत्फ उठाए और यहाँ के लोगों से मिलकर आपको बहुत तसल्ली होगी, बहुत अच्छा लगेगा। Okay. लाइफ में मतलब एक मेमोरी रहेगी कि हम कहाँ गए थे, सच में आप फिर बोलोगे कि हम जन्नत में गए थे। बिल्कुल, ये इंडिया का जन्नत है, स्वर्ग सबसे बेस्ट है। आप देख सकते हैं ये मतलब शॉप के बाहर ये लेक है, डल लेक, और इसके ऊपर ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं। सो हमारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टॉप के साइड। श्योर, थैंक यू सर। ये यहाँ पे बिल भी दिया है मुझे इन्होंने, मैंने जो कैब खरीदी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती। सो अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्टॉप के साइड। नहीं, ड्राई फ्रूट तो नहीं, अब नहीं 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 फिर यहाँ से वापस, ठीक है। सो कुछ और में क्या है इधर? पेपर मशीन नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह तो नहीं चाहिए अपने को, पेपर मशीन चाहिए।